हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ सॉल्यूशन पे। आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ स्टेट बोर्ड है। यस, मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं इसी तरीके से एवरीडे कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए नई नई वीडियोस लेके आता हूँ। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और हमेशा जैसे मैं नया नया सिखाता रहता हूँ। अभी हमारा डे 9th चल रहा है हेयर स्टाइलिंग कोर्स का। जो हेयर स्टाइलिंग क्लास हमने स्टार्ट किया उसका 9th डे है। इससे पहले मैं काफी सारे क्लासेस ले चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1000 के करीब हम कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो क्लासेस जो कि हमारे चैनल पे हैं। हेयर के बारे में हर चीज सिखा चुका हूँ जो अभी तक हमारी इंडस्ट्री में आई है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो। हेयर के बालों में, चाहे वो स्ट्रेटनिंग करना हो, केराटिन करना हो, पॉमिंग करना हो, हेयर कटिंग है, कलरिंग है, हेयर स्टाइलिंग अभी शुरू किया है मैंने, पहले भी सिखाया है इसके बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है स्ट्रेट ब्लोअर कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का स्ट्रेट ब्लोअर ट्यूटोरियल। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ब्लो ड्राई हम स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे। सबसे पहले ब्लो ड्राई पे मैंने बाल जो गीले हैं उनको फिंगर ड्राई कर लूंगा। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके को बोलते हैं फिंगर ड्राई करना बालों को, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले होते हैं तो पानी ड्रिप होता है, ओके, गिरने लगता है। तो आप पहले उसको फिंगर ड्राई कर लो। फिंगर ड्राई करने से क्या होगा, एक्सेस जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है बालों में वो निकल जाता है और उसके बाद हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमें बालों को पकड़ना भी ईजी हो जाएगा, सेक्शनिंग भी ईजी हो जाएगी जब आप इस तरीके से ब्लो ड्राई करते हो। तो ये मैं इसलिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा फास्ट कर देंगे हम वीडियो को ताकि आप लोग देख पाओ कि कैसे स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया जाता है। और जो भी लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, कभी भी भूला ना करें सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूलें कभी भी। तो उसी तरीके से ब्लो ड्राई करना है, पहले फिंगर ड्राई। ध्यान से देखते जाइए, फ्रंट हेयर, बैक हेयर, हर जगह से हमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है बालों में से या जितना भी एक्स्ट्रा नमी है वो निकाल देना है। और 20% जैसा ही बालों को गीला रखना है, उससे ज़्यादा गीला नहीं रखना है। जब भी आप ब्लो ड्राई करो तो पहले इस तरीके से ड्राई कर लो बालों को, उसमें आपको आसानी हो जाती है ब्लो ड्राई करने में। फ्यूचर में अगर आपको कर्ल्स डालने हैं या स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है तो आप पहले इस तरीके से फिंगर ड्राई कर लो। तो ज़रूरी है हम बालों को अच्छे से सेक्शनिंग कर लेंगे, जो हमें सेक्शनिंग करने में। देखिए आप वेव देख रहे हो बालों के अंदर, थोड़े बहुत जो वेव हैं वो सारे मैं निकाल के स्ट्रेट कर दूंगा। मैं राउंड ब्रश ले रहा हूँ। राउंड ब्रश जो मेरे पास है वो है डेनमैन कंपनी का। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जो 3rd या 4th वीडियो है टूल्स के अंदर, कि हम जो ब्रशेज हैं वो बड़े ब्रश क्यों लेते हैं या छोटे राउंड ब्रश क्यों रखते हैं। तो बड़े राउंड ब्रश बालों को स्ट्रेट करने के लिए होते हैं, छोटे राउंड ब्रश कर्ल्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रूट से पहले बालों को अच्छे से सुखा लूँगा। आप देख रहे हो मैंने बालों को टाइट स्ट्रेट पकड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना है कि बाल खींचें, ओके। तो एकदम सॉफ्ट पकड़ें बट स्ट्रेट पकड़ें, ताकि रूट्स से जो बाल हैं वो एकदम स्ट्रेट दिखेंगे भी और आप ड्राई भी स्ट्रेट शेप में कर रहे हो। तो पहले रूट्स में अच्छे से बालों को नमी भी निकाल दें और स्ट्रेट भी कर लें, दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द हेयर है, लेंथ है, उसको इस तरीके से, ड्रायर को आप थोड़ा दूर रखें तो ज़्यादा बेटर है, एकदम ब्रश के साथ टच ना करें। और इसी तरीके से हम लोग बालों को सुखाते जाएंगे। यहाँ पे आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप पैडल ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पैडल ब्रश यूज़ करो, अदरवाइज़ राउंड ब्रश से भी कर सकते हो। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। जब एंड्स होते हैं तो एंड्स पे मैं ज़्यादातर पैडल ब्रश यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरे बालों में राउंड ब्रश यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे एंड्स एकदम स्ट्रेट रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए मैं पैडल ब्रश यूज़ करता हूँ। यहाँ पर जो पैडल ब्रश है वो है ब्रशमैन का, ब्रशमैन कंपनी है का नाम है, जो इंडिया में मिलती है, इजीली अवेलेबल है, बॉम्बे जैसे बड़े सिटीज़ में आराम से आप खरीद सकते हो।
और आई थिंक ये ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं आपको बता दूंगा, गूगल करोगे तो इजीली मिल जाता है इसका नाम। और फिर आ गया अदर साइड। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो आपको सोच रहा हूँ कि इसी तरीके से आप सारा वीडियो देखो ताकि आप डिटेल में सीख पाओ कि कैसे ब्लो ड्राई किया जाता है। अदरवाइज कुछ लोग चाहते हैं, कहते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर स्ट्रेट ब्लो ड्राई सिखाओ कैसे किया जाता है, तो आज मैं स्पेशल वो क्लास लेके आया हूँ जिसमें आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखें एक एक स्टेप। मैं ये वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी ऐसा पोर्शन जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होती है स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने में वो आपको आसानी हो जाए। तो उसी तरीके से मैं बालों को एकदम पतले पतले सेक्शन लेके, ज़्यादा थिक अगर आप हैंडल कर पाते हो तो ज़्यादा थिक ले सकते हो, मैं बोलूँगा अगर आप बिगनर हो तो पहले छोटे छोटे सेक्शन लो उससे ब्लो ड्राई करो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारे बालों को अच्छे से स्ट्रेट करके एंड्स में हमेशा पैडल ब्रश का यूज़ करता हूँ ताकि बालों के जो एंड्स हैं वो एकदम स्ट्रेट हो जाएं, कहीं पे बाल ऐसे ना रहें कि स्ट्रेटनिंग ना हो पाए। तो अच्छे से एंड्स को अच्छे से स्ट्रेट कर लो। अभी मैं बता रहा था पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं सिखाने वाला हूँ हेयर स्टाइलिंग। सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले तो, जितने भी लोग देख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। तो मैं पिछले कुछ 7-8 दिन से लगातार हम लोग क्लासेस ले रहे हैं हेयर स्टाइलिंग के ऊपर। आज हमारा 9th डे है, 9वां दिन है, और ऐसे ही मैं प्लान करता हूँ कि 200 डेज तक हम क्लासेस करें अलग अलग टॉपिक्स को लेके। मैं हेयर कलर की क्लास भी सोच रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट शायद प्लान कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप हेयर कलर सीखना चाहते हो। तो हेयर कलर में बेसिक एडवांस दोनों आएगा, वो खुद में ही 30-35 क्लासेज हैं उसके अंदर, 30 से 40 दिन उसमें ही निकल जाएंगे हमारे। अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे डिटेल में बताइए, मैसेज करके बताइए। और इस वीडियो को देख के आपको अगर सीखने को मिल रहा है ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक एकदम फ्री है। जैसे मैं क्लासेस फ्री देता हूँ वैसे ही लाइक भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको लाइक करने का कोई ज़्यादा चार्जेस, मतलब क्या ज़्यादा क्या, कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आप लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाओ ताकि सब लोग ये वीडियो को देख पाएँ आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी देखिए एंड्स मेरे पास, मैं बड़े बड़े सेक्शन लेता हूँ तो एंड्स को अच्छे से बालों को ड्राई कर लूँ और विद द पैडल ब्रश। एंड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे क्योंकि क्लाइंट जब भी बाल आगे करेगा एंड्स ही देखेगा, तभी उसको समझ में आता है कि अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। तो चाहे 5 से 6 बार आपको एंड्स पे हीट देना पड़े आप दो, बट ब्लो ड्राइज में बाल स्ट्रेट होने ज़रूरी हैं। आप देख रहे हो कितने अच्छे हो गए हैं बाल, कितना ज़्यादा शाइन आ गया। मैं बार बार ब्रश करने का मतलब होता है कि आप क्यूटिकल को क्लोज कर रहे हो और बालों में शाइन ऐड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रश और पेडल ब्रश। देखिए कितना शाइन है, राइट। अभी मैं कर लूंगा फ्रंट के हेयर। बॉक्स एरिया में टाई कर रहा हूं क्योंकि ये मैं लास्ट में करूंगा, तो मैं थोड़ा हेड मूव कर देता हूं ताकि आपको दिख पाए इस साइड के पोर्शन के हेयर। साथ में थोड़े बैक के हेयर भी ऐड करूंगा ताकि जब हम ब्लो ड्राई करें तो कुछ ऐसा अलग से सेक्शन दिखाई ना दे या लाइन दिखाई ना दे, इसलिए मर्ज कर रहा हूं। लाइक सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाएं। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग स्ट्रेट ब्लो ड्राई। कोई भी क्वेश्चन हो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, या कौन सी आप फ्री क्लासेस प्लान कर रहे हो सीखने का मेरे से
आप कमेंट करके बता सकते हो सर ये क्लासेस लो, तो मुझे आइडिया आ जाता है कि आप क्या सीखना चाहते हो। तो जिनके मैक्सिमम मैसेज आएंगे, मान लो कलर क्लास को लेके आते हैं या ओलाप्लेक्स को लेके आते हैं या हेयर स्टाइलिंग मेकअप क्लासेस को लेके आते हैं, तो मैं वही क्लासेस आगे प्लान करूँगा सिखाने का। ओके, तो पतले पतले सेक्शन आप ले सकते हो, मैं मोटे सेक्शन में ही काम करता हूँ बिकॉज मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ तो ईजी टू हैंडल हो जाता है मेरे लिए। बट अगर आप बिगनर हो तो आप मैं बोलूँगा कि 1 इंच से ज़्यादा बड़े सेक्शन ना ले। मैंने टोटल लिए 4 पीछे सेक्शन लिए हैं, 2 साइड में लिए हैं 6 और 2 बॉक्स में लूँगा, 8 सेक्शन में पूरा ब्लो ड्राई हो जाएगा मेरा। चाहूँ तो 5 सेक्शन में भी कर सकता हूँ, फिर उसमें आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेरा स्पीडी जो बोलते हैं ना स्पीड से अगर आप ब्लो ड्राई करते हो तो मैं मैक्सिमम 5 सेक्शन करता हूँ स्पीड से ब्लो ड्राई करने में और टाइम लेता हूँ 5 मिनट, हर सेक्शन में 1 मिनट जाता है। सिर्फ ब्लो ड्राई की बात कर रहा हूँ, फिंगर ड्राई या टॉवल ड्राई को मिक्स मत करिएगा इसके अंदर। और हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें जो कि नीचे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक, और हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपको अपकमिंग पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, हमारा हेयर एक्सटेंशन का नया कोर्स आ रहा है, हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं कि हमने कौन सा कोर्स सिखाने वाले हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, कितने दिन की क्लास है, क्या फीस है, क्या टाइमिंग है, सब इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाता है। आप जाके आराम से देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो हमारा इंस्टाग्राम, फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम को जाके। ओके, तो इस साइड के बाल हो चुके हैं, अभी अदर साइड में फ्रंट के हेयर जो हैं बॉक्स का एरिया टाई करके और फ्रंट के हेयर को ड्राई करूँगा। फ्रंट का एरिया बहुत मज़ेदार होता है, जब भी आप ब्लो ड्राई करो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि क्लाइंट को वही ज़्यादा दिखता है जब वो मिरर में देखता है क्लाइंट, तो उस पर पूरा टाइम दे। तो बॉक्स एरिया को मैंने टाई कर दिया है उसी तरीके से, पहले रूट्स पे अच्छे से हीट देना है ताकि, और ड्रायर का माउथ देखिए वो स्कैल्प को टच नहीं कर रहा है, हवा बालों को छू के बाहर निकल जा रही है। तो ऐसे ही आपको भी पकड़ना है कि बालों को हवा छुए बट रूट्स को ना छुए, अगर रूट्स को टच करेगी तो आपकी रूट्स क्लाइंट की जल सकती है, तो ये ध्यान रखें हमेशा जब भी आप ब्लो ड्राई करें। मैं हमेशा रूट्स के पास, मैंने बताया कि मैं राउंड ब्रश यूज़ करता हूँ और लेंथ पे हमेशा मैं पैडल ब्रश यूज़ करता हूँ। जब भी आप लेंथ के बालों पे ड्राई करें तो पैडल ब्रश यूज़ करें, बहुत मज़ा आएगा। जब आप डिफरेंट ब्रशेस से ब्लो ड्राई करेंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा ब्लो ड्राई करने का, और क्लाइंट भी देखेगा कि ये मल्टी ब्रशेस यूज़ करता है जब भी ड्रायर करता है, और क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आपके पास आके बैठे, क्योंकि आप एक परफेक्ट रिजल्ट देने के लिए आप ब्रशेस यूज़ कर रहे हो अलग अलग। देखिए इतनी डिटेल में आई डोंट थिंक कोई आपको बताएगा जितना मैं डिटेल में दे देता हूँ क्लासेस या बता देता हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना डिटेल में नॉलेज देते हैं हेयर की। अभी बॉक्स का एरिया हम लोग फ्रंट में भी खड़े रह के कर सकते हैं, बैक में भी। तो यहाँ पे ये बालों को मैं फ्रंट पे लेके जाऊंगा इस तरीके से, एक ही जगह पे ड्रायर ना रखें, मूव करते रहें बार बार, नहीं तो बाल भी डैमेज हो सकते हैं और क्लाइंट का स्कैल्प भी डैमेज हो सकता है। एक साइड में बालों को लेके जा रहा हूँ और ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, फ्रंट के बाल ही ज़्यादा दिखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो फ्रंट के बालों में टाइम लेके अच्छे से ब्लो ड्राई करें ताकि पता चले कि हमने कुछ किया है क्लाइंट के बालों में और क्लाइंट भी इम्प्रेस हो जाए कि वाह आई लव इट।
ऐसा आपके सामने ही बोल दे कि मुझे बहुत पसंद आया। ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखा करें जब भी ब्लोरे करें। अभी फ्रंट का पोर्शन मैंने छोड़ दिया है करके, बॉक्स का एरिया बाकी है एक सेक्शन और, उसको भी उसी तरीके से आगे ले लूँगा। आप पीछे रह के भी कर सकते हो, आगे खड़े होके भी कर सकते हो, आपके हाथ में है। अगर आपको रूट्स के पास बाउंस दिखाना है, क्लाइंट बैक होम करता है तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो इसमें बाउंस अच्छा खासा दिखाई देता है, क्योंकि जो रूट्स से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बाल पुल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो बालों में बाउंस दिखता ही है नेचुरली। तो सेक्शन बाय सेक्शन अभी सारे बाल मिक्स कर लीजिए, फ्रंट के हेयर जितने भी हमने किए थे पैडल ब्रश के साथ, सारे बालों को एक साथ हम ब्रश करेंगे और ब्लो ड्राई करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने बाकी बालों को किया था। एंड्स मत छोड़िएगा, एंड्स का जो रिज़ल्ट है वो मत छोड़िएगा, देख के जाइएगा हमने कैसा ब्लो ड्राई किया है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, और अगर पसंद आ जाए तब लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, तो हमारा ब्लो ड्राई जो है वो फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट। मैंने सारे बालों को पीछे ब्रश कर लिया है, ब्रश करके और बालों को आपको करके दिखाऊंगा कि हमने जो स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया था, आप मैसेज करके बताइए कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका ये फाइनल रिज़ल्ट है यहाँ पे, तो कैसा लगा आप लोगों को, पसंद आया, शाइन पसंद आ रही है बालों में? सिर्फ ब्लो ड्राई से इतनी शाइन आ जाती है बालों में। देखिए अगर आप अच्छे से तरीके के साथ ब्लो ड्राई करते हैं, अच्छे शैम्पू कंडीशनर किए हुए बालों में, कितने सॉफ्ट हो गए बाल, कितने हल्के हो गए। क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।